कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से जहां लोग दम तोड़ दे रहे हैं, वहीं सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज्य बिहार की तस्वीरें सरकार और प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रही हैं। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग थाने के पास स्थित सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर धूल खा रहे हैं और गरीब जनता सांसों के अभाव में दम तोड़ रही है। सुशासन बाबू का सुशासन यहां धूल खा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी बिहार की है जहां एम्बुलेंस के जरिए बालू ढोई जा रही है। शायद बिहार में अब कोई मरीज नहीं रह गया है, इसलिए बालू के परिवहन के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया जा रहा है। अब तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। तीसरी तस्वीर सारण के अमनौर की है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी का दफ्तर है। दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस धूल खा रही है, लेकिन इसमें सांसद महोदय का बिल्कुल दोष नहीं है। गलती प्रशासन की है कि वो इन एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर का इंतजाम नहीं कर पाई, वरना सांसद महोदय एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित। वही बात ड्राइवर की आ गई तो पप्पू यादव कहां मानने वाले थे। पप्पू यादव ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की लाइन लगा दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अभी 21 है यहाँ। देखिए कलू लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। तस्वीरें जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शेयर की है। तस्वीरों से साफ है कि जब देश इतनी भयानक महामारी से जूझ रहा है, तब जिम्मेदार अधिकारी ख्वाबे गफलत में हैं। एम्बुलेंस धूल खा रही हैं, एम्बुलेंस से बालू ढोई जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ के ढेर में पड़े हैं और जनता शमशान में जल रही है, कब्रिस्तान में दफन हो रही है और सरकार अपना दामन धोने में व्यस्त है। दिल्ली से INN चैनल की रिपोर्ट।